हुक्का हमारे कल्चर और वसीयत की एक ऐसी निशानी है जो ऐसा ऐसा माजी का हवाला बनती जा रही है। बस्ती या गांव के बुजुर्ग जब चौपाल या किसी खुशी या गम के मौके पर इकट्ठे होते तो दायरे में घूमने वाला बड़ी नड़ी वाला फर्शी हुक्का उनके इत्तेहाद, रिश्तों और ताल्लुक की अलामत के तौर पर नुमाया नजर आता था। हुक्का बादशाहों, हुक्मरानों और सियासतदानों का भी पसंदीदा रहा है। लंदन के अजायब घर में जहांगीर के दौर का एक हुक्का आज भी महफूज है। बहादुर शाह जफर को भी हुक्का बहुत पसंद था। रंगून में दौराने कैद हुक्का ही उनकी तन्हाइयों का साथी था, जबकि पाकिस्तानी सियासतदान नवाबजादा नसरुल्ला खां का हुक्का भी शोहरत रखता है। बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्ला ने हुक्का को एक दवाम बख्शा, यानी सियासत में हुक्के का भी अमल दखल रहा। नवाबजादा साहब का हुक्का हमेशा हुकूमत मुखालफ तहरीक के दौरान उनका साथी रहा। एक बुजुर्ग की ये मंतक थी कि हुक्का मट्टी, हवा और आग का मजमू है। उनका कहना था कि जिस तरह इंसान की जिंदगी पानी और हवा के बगैर नामुमकिन है, इसी तरह हुक्का की तकमील भी पानी और हवा के बगैर नहीं हो सकती। उनसे जब पूछा गया कि आप अपने मौकफ की तशरीह कैसे करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि इंसान जब सांस के जरिए हुक्का पीता है तो ये हवा ही है जो हुक्के की गुड़ गुड़ की आवाज़ पैदा करती है। इसी तरह हुक्के के तलवे में, जिसे हम ढोल कहते हैं, में पानी होता है। यूँ पानी भी हुक्के का अहम जुज़व है। यह ढोल मिट्टी का बना हुआ होता है, इसी तरह इंसान भी मिट्टी का बना हुआ है। यूँ इंसान और हुक्का पानी, मिट्टी और हवा का मजमूआ हुआ। इस तरह इंसान और हुक्के में कोई तवाफत नहीं है। हुक्के को हमारे कल्चर में एक अहम अहमियत हासिल है। विहाड़ी के क्लब रोड पर वाक़या कारीगर आज भी इस रवायत को बरकरार रखे हुए हैं, और इस गए गुजरे दौर में भी जब यह रवायात दम तोड़ रही हैं तो अभी भी रवायात के बाकी जो अमीन हैं वो उनके गाहक हैं। हुक्के तैयार करते हुए उनकी खूबसूरत रंग बिरंगी नड़ियाँ इन माहर कारीगरों के हाथों की महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। 50 साल से हुक्के तैयार करने वाले कारीगर मोहम्मद अरशद का कहना है कि वो तवील अरसे से हुक्के तैयार कर रहे हैं, उनके काम में कोई फ़र्क नहीं आया। आज भी लोगों की बड़ी तादाद उनसे हुक्के खरीदने दूर दूर से आते हैं। कारीगर वसीम ने बताया कि वो 25 साल से ये काम कर रहा है और मेहनत की रोटी कमा रहा है। उसका ये फ़न खुदादाद सलाहियत है जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं। हुक्का ख़रीदने के लिए आए हुए गाहक मोहम्मद अब्दुल्ला ने बताया कि वो अरसा 30 साल से हुक्का पी रहा है, इसलिए वो वक्तन फ़वक्तन हुक्के ख़रीदते रहते हैं। हमारी ये आदत के साथ साथ रवायत भी है जो हम सबको मिल बैठने का मौका फराहम करती है। उन्होंने कहा कि अब ये एक ऐसी आदत बन चुकी है जिसके बगैर रहना नामुमकिन है, इसलिए नए और ख़ूबसूरत हुक्कों में कश लगाने का अपना ही मज़ा है। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया है तो चैनल क्लासिक टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। मोहम्मद अरशद मेरा नाम है, मैंने 50 साल तो हो गया ये काम करते हैं। बाकी ये मामले बाकी मामले और मेरा नाम मुस्लिम है जी, मैं 25 साल तो कम कर रहा जी, ये हल्का लाल जी रोजी कमा रहा जी। अलहमदुलिल्लाह अल्लाह पाक का सहन है, बड़ा अच्छा काम है। 30 साल तो पी रहे, 30-40 साल, 30-40 साल तो पी रहे थे, हुक्के तो बगैर रह भी नहीं सकते।